नमस्कार। आजकल गर्मियों का पारा बहुत ऊंचा जा रहा है, अब ऐसे में कुछ हैवी खाने के बजाय कुछ हल्का फुल्का प्रिफर करते हैं, और इनमें भी सबका फेवरेट होता है छाछ, और उसमें भी ठंडी मसालेदार छाछ मिल जाए तो सोने पे सुहागा। तो चलिए आज वो सोने पे सुहागा बना ही डालते हैं। ज्यादा टाइम ना लेके मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से आज बनाने जा रहे हैं बटर मिल्क मसाला। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। छाछ मसाला बनाने के लिए हमें कुछ मसाले हल्के से सिकने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे एक कटोरी साबुत जीरा, साथ में एक कटोरी साबुत धनिया और 10 से 15 काली मिर्च के दाने। यहाँ पर ये सभी चीज़ें हमें साबुत लेनी है, यहाँ पर किसी भी चीज़ का हम पाउडर यूज़ नहीं करेंगे। मसाला बनाते वक्त नाप का ज़रूर ख्याल रखना है, तभी सभी मसाले का अच्छे से टेस्ट आएगा। सभी मसालों को हल्का सा ब्राउन होने तक लो फ्लेम पर सेक लेना है। अब मसाले में ऐड करेंगे 3 से 4 लौंग, हल्का सा गर्म होते ही सभी मसालों की अच्छे से खुशबू आने लगी है। देखिए मसाले का कलर भी धीरे धीरे चेंज होने लगा है, यानी कि ये 80% सिक गए हैं। इस वक्त हम इसमें डालेंगे अजवाइन, क्योंकि अजवाइन को सिकने में ज़्यादा देर नहीं लगती। अजवाइन डालते ही हम फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि मसालों की गर्मी में ही अजवाइन सिक जाएगी। हमारे बताए गए नाप से अगर आप मसाला बनाएंगे तो गारंटी है आपको बाजार का मसाला फिक्का लगेगा, और आप हर बार घर पर ही मसाला बनाएंगे। मसाला ठंडा होने के लिए हमने डिश में निकाल लिया था, अब ये ठंडा हो गया है तो अब इसे मिक्सी में डालकर अच्छे से पाउडर बना लेंगे। जिस कटोरी से हमने साबुत जीरा और धनिया डाला था वही नाप से काला नमक डालेंगे। यहाँ पर हम मसाला ज़्यादा बना रहे हैं तो इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे और बारी बारी पीस लेंगे। मसाले को टेंगी बनाने के लिए 1 बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर, साथ ही में डालेंगे 1 छोटा चम्मच हींग और 1 कटोरी भर के पुदीने के सूखे पत्ते। इन सभी चीजों को मिक्सी जार में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए बाजार के मसालों को भी टक्कर देने वाला फाड़ू मसाला हो गया तैयार। अगर आपको मसाले का फाइन पाउडर चाहिए तो इसे छन्नी से छान लीजिए, और हाँ, इस मसाले को आप कई सारी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि नींबू शरबत, ग्रीन सलाद, फ्रूट डिश, और स्पेशली तरबूज और पाइनएप्पल में। रेसिपी अच्छी लगे तो घर पर ट्राई कीजिए और समर को एंजॉय कीजिए। वैसे एक बात बतानी थी आपको, वीडियो को लाइक शेयर और लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।